क्या सूत्र है? सूत्र ये है माताओं बंधुओं की कोई भी कथा, कोई भी प्रवचन, कोई भी ग्रंथ, कोई भी आध्यात्मिक विचार हमको आपको खराब परिस्थिति में कैसे हैंडल करना है, माने क्या हम लोगों की सोच होनी चाहिए विषम परिस्थिति में, वही सिखाता है। संतोष सिखाता है, धीरज सिखाता है। जब विपत्ति विपरीत हो, परिस्थिति विपरीत हो, तब सिखाता है कोई भी आध्यात्मिक बात। तो उद्धव भी यही ज्ञान तो देने गए। अरे ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, वही कहने का अर्थ है। उद्धव यही ज्ञान देने गए कि आप ज्ञान से प्रसन्न रहो, ज्ञान का आचरण करके, ज्ञान को धारण करके प्रसन्न रहो। क्यों आप अज्ञानी बन के और वो कन्हैया को याद करते हुए दुखी रहना चाहती हो? तो गोपियों ने कहा, एक बात बताओ, यदि हम दुखी ही रहना चाहती हैं तो उद्धव कब तक दुखी रहेंगी? उद्धव ने कहा, जब तक कन्हैया नहीं आएंगे तब तक दुखी रहोगी। तो वह कन्हैया आ जाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएंगे। लेकिन उद्धव ने कहा, जीवन भर कन्हैया नहीं आएंगे फिर? तो कहा, जीवन भर नहीं आए तो जीवन भर दुखी रहोगी। गोपियों ने कहा, अच्छा इसी जीवन के लिए तो दुखी रहेंगे ना, अगले जीवन में तो प्रसन्न रहेंगे ना फिर? अगले जीवन की तो गारंटी नहीं कि अगले जीवन में भी दुखी रहेंगे। कहा, नहीं नहीं, अगले जीवन की नहीं कह सकता मैं, इस जीवन में तो दुखी रहोगी यदि कन्हैया नहीं आए। गोपियों ने कहा, बस यही बात मैं समझाना चाहती हूं आपको। उद्धव इस संसार में कुछ भी नित्य निरंतर नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। ये दुख चाहे हमारा हो, चाहे हम दुखी हो, चाहे कोई तपस्वी हो, चाहे कोई भोग कर रहा हो, लेकिन नित्य निरंतर इस संसार में कुछ भी नहीं है। ना किसी की तपस्या, ना किसी का भोग, ना किसी का दुख। उद्धव ने कहा, क्या मतलब? गोपियां कहती हैं, उद्धव ये जोगनी की भोगनी की विकल वियोगनी की, हम विकल वियोगनी, जोगनी और भोगनी और होंगी कहीं ना कहीं, जोगनी की भोगनी की विकल वियोगनी की, जग में ना जागती जाते रह जाएंगी, और कह रत्नाकर ना सुख के रहे जो दिन, तो ये दुख द्वंद की नराते रह जाएंगी। जब वो दिन नहीं रहे दुख के, तो आप बताइए, जब वो सुख के दिन नहीं रहे तो क्या रातें रहेंगी दुखी? नहीं रहेंगी। प्रेम नेम छाड़ी ज्ञान छेम जो बतावत हो, भीती ही नहीं तो कहा छाते रह जाएंगी। अरे जब दीवार ही नहीं होगी तो छत कहां से खड़ी होगी उद्धव? और घाते रह जाएंगी न कान की कृपाते इति, उद्धव कहिबे को बस बातें रह जाएंगी। केवल उद्धव इस संसार में रह जाएगा तो कहानी किस्सा, केवल बातें रह जाएंगी कि हमारे जैसी भी कोई गोपियां हुआ करती थी, केवल बातें रह जाएंगी कि कोई इतनी तपस्वी भी था, कोई इतना भोगी भी था। नित्य निरंतर कुछ नहीं है, ये भी नहीं रहेगा। यही भगवान श्री राम कह रहे हैं, जानकी जी मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, और बेगी फिर अब सुन सुमुखी सयानी, अरे दिवस जात नहीं लाग ही पारा, सुंदरी सिखवन सुनो हमारा, और जो हट कर रहू प्रेम बस बामा। यदि अभी भी आप जिद पे अटकी हुई हैं जानकी जी, तो तुम दुख पाओ परिणामा, तो दुखी हाथ लगेगा जानकी जी, और कुछ नहीं लगेगा। माता जानकी ने कहा, क्यों दुख हाथ लगेगा प्रभु? कह रहे जानती हो कहाँ जाना है, कोई आसान जगह नहीं है वो। क्या बोले? वो कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी, कुछ कंटक मग का करना ना, और चलत पया दे ही बिनु पद त्राना। पैदल चलना पड़ेगा, और पैदल भी बिना चप्पल के चलना पड़ेगा जानकी जी। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे, खंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, लागई अति
पहाड़ कर पानी और विपिन विपति विपन विपिन विपति नहीं चाय बखानी। जानकी जी से राम जी कहते हैं, जानकी शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि दालानों की धूप छतों की छांव कहाँ। हमारे घर में दालान होता है ना, बालकनी कहते हैं वो जो बाहर लॉन। दालानों की धूप छतों की छांव कहाँ, दालानों की धूप छतों की शाम कहाँ, और घर से बाहर घर जैसा आराम कहाँ। सूखी रोटी मिल जाएगी कभी कभी, काजू किशमिश पिस्ते और बादाम कहाँ, बाहर ये सब थोड़ी मिलने वाले हैं। माता जानकी से राम जी कहते हैं, जानकी वहां तो भूमि शयन बलकल बसन असन कंद फल मूल और ते की सदा सब दिन मिलही सबई समय अनुकूल। वो भी हमेशा नहीं मिलने वाले, जब अनुकूल समय होगा, जब किस्मत अच्छी होगी ना, तब जाके कुछ खाने को मिल जाएगा जानकी। इसलिए ज्यादा भरोसे में मत रहो, जंगल जंगल जाना कोई कठिन कोई आसान बात नहीं है जानकी जी। और एक बात सुन लो जानकी जी, वहां केवल यही नहीं है कि आप क्या खाएंगी, वहां केवल अपने प्राण बचाने के लिए भोजन मिलना ही आवश्यक नहीं है, वहां अपने प्राण बचाने के लिए किसी का भोजन आप ना बन जाएं, ये भी देखना साथ में आवश्यक है कि आपको कोई ना खा जाए। आप क्या खाएंगी ये तो बात की बात है। वहां तो नर आहार रजनी चर चरही और करही को नर कपट बेश कोटिक नर धरही। अरे ला गई अति पहार कर पानी विपिन विपति नहीं चाई बखानी। और हंस कवन डर पही धीर गहन सुधी आए मृगलोचन तुम भी रुसवाए। बड़े बड़े धीरवान भी ना जब जंगल की सुधी आती है तो थरथरा जाते हैं, तो आप तो पहले से ही डरपोक हैं जानकी जी। मृगलो हंस गवन तुम नहीं बन जोगो सुनी अप जस मोहि दे हैं लोगो। जानकी जी रुक जाइए, जानकी जी यहीं रुक जाइए, आपको आवश्यकता नहीं है जाने की। माता जानकी सुन रही है, माता जानकी सुन रही है, बगल में माता कौशल्या खड़ी है। तो कैसे कहें, वो भी मर्यादा तो वो भी है कि सास के सामने कैसे बहू बात कर ले, तो क्या करें जानती है। माता जानकी इतनी देर से सुन रही है राम जी की बात और चारू चरण ले खत नख धरनी। ये माताओं का एक बड़ा वो माताओं का ही होता है, एक अंग्रेजी शब्द है उसका जेस्चर, हिंदी शब्द तो यूं समझ लीजिए बॉडी लैंग्वेज, एक आसान शब्द है उसका। माताएं ऐसा करती हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कई लोग जब चिंतित होते हैं तो नाखून चबाने लगते हैं, कई लोग नाखून अपना काटने लगेंगे चिंता में, कई लोग होते हैं वो अपना बाल खुजाने लगते हैं चिंता में। वैसे ही माताएं जब बहुत चिंतित होती है ना, तो लेकिन अब तो बेचारी नहीं कर पाती, पहले कर पाती थी क्योंकि अब तो हो गया है फर्श और संगमरमर पे तो कर नहीं पाती, पहले मिट्टी के ओर सब होते थे। तो क्या करती थी, वो अपने नाखून से जमीन को कुरेदती थी एकदम नीचे देखते हुए। वही कर रही माता जानकी, मानो पूरा खोद देंगी गड्ढा हो जाएगा, प्रयास करें। चारू चरण ले खत नख धरनी, और जैसे ही कर रही ना तो छन 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 आवाज आ रही है। नूपुर मुखर मधुर कवि भरनी, नूपुर बेचारा छन छन कर रहा है, छन छन कर रहा है, क्या कह रहा है, मनहु प्रेम बस विनती कर रही कि हम ही पद जन परिहरही। ये तो आपको छोड़ने वाले हैं, इनके हाव भाव से लग रहा है कि आपको छोड़ देंगे। अरे लेकिन आप हमको मत छोड़ देना माता, हम आपके साथ ही चलेंगे, इनके चरण आपसे छूट जाएं तो छूट जाएं, आपके चरण हमसे ना छूट जाएं माता, इतनी कृपा रखना। नूपुर बखान कर रहे हैं, भगवान उपदेश दे रहे हैं। माता जानकी कहती हैं, प्रभु आपने जो कहा सब कुछ शिरोधार, आपने सब अच्छा कहा। अरे आपने तो वो कहा जो एक जीवात्मा के लिए परम हित होता है, परम प्रभु आप तो सबका परम हित चाहते हैं, आप हित थोड़ी चाहते हैं, आप तो परम हित चाहते हैं। मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं प्रभु। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम हित होई। मेरे परम हित की बात आपने कही है,
लेकिन प्रभु ऐसे परम है से क्या अर्थ। अगर दुख में पूरा जीवन काटना पड़ जाए तो हम लोग एक कहावत कहते ना कि ऐसा सोना किस काम का जो गला काटे, उस सोने से क्या लेना देना। मैं पुनि समुझ दीख मन माही कि पिय वियोग सम दुख जग नाही। आपके वियोग से बड़ा कोई संकट नहीं आ सकता। प्राण नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कमल विधु सुरपुर नरक समान। पत्नी का धर्म देखना हो तो माता जानकी से सीखिए माताओं बंधु। आज के युग में मैं फिर कहूंगा, और मैंने कई परिवार देखे हैं इसलिए कहूंगा, भाई कई बार होता है कि जब विवाह होता है तो पति की नौकरी हो सकता है अच्छी हो, तब मैंने देखा है बंबई में काम करते हैं, विवाह हो गया, मान लीजिए नौकरी बाद में छूट गई, वापस उज्जैन आ गए, अब पत्नी अड़ी हुई है बात पे, क्या हम बंबई रहेंगे, बंबई मुझे रहने की आदत पड़ गई है, 6 महीने में बंबई रहूं, मैं उज्जैन में कैसे रहूंगी, मैं छोटे शहर में कैसे रहूंगी, अब तलाक होने की नौबत आ रही। माताओं बंधुओं, यदि पति के साथ आप सुख भोगने की अधिकारी हैं तो पति के कष्ट और पति के दुख को भी आपको साथ में भोगना, ये तो यही तो धर्म पत्नी। बेटर हाफ, बेटर हाफ का क्या अर्थ होता है, माने जो वो है उनसे बेटर हाफ है आप, वो तो हाफ है और आप बेटर हाफ है, उनके दुख को आपको उनसे ज्यादा भोगना है, उनसे ज्यादा उनका साथ देना, और उनके सुख को भी आप ज्यादा भोगते ही हैं, उसको किसने कहा है, वो भी करते ही हैं। तो इसलिए ये सिखाता है रामचरितमानस। ध्यान दीजिए, माता जानकी कह रही है प्रभु आप कह रहे हैं मैं यहां रह जाऊं, वाह ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मुझसे तो नहीं होगा। भोग रोग सम भूषण भारू जम जात ना सरिस संसारू। माता जानकी कहती है प्रभु एक ही बात उन्होंने सबसे सुंदर कही, वैसे तो बहुत बहस की लेकिन सबसे सुंदर बात जिस पे राम जी भी निशब्द हो गए, उन्होंने कहा प्रभु मैं सुकुमारी नाथ पन जोगू और तुम ही उचित तप मोह भोगू। आप को तप करना उचित है और मैं भोग करूं यहां पे बैठ के, आप बन के योग्य हैं और मैं बहुत बड़ी सुकुमारी हूं, मैं यहां राजपाट करूंगी, प्रभु मुझसे ये नहीं हो सकता। मैं सुकुमारी हूं और आप बन जोग रहेंगे प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु, आपके बिना तो जी बिनु देह नदी बिनु बारी और तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान ने कहा ठीक है, अब यदि इनको नहीं ले गए तो यही प्राण त्याग देंगी, प्रभु इस बात को समझ चुके थे। तब क्या हुआ, तब तक तीसरे और चालू हो गए, उनको और मालूम पड़ गया कौन। समाचार लक्ष्मण जब पाए व्याकुल पिलक बदन उठी धाए दौड़े। अब राम जी ने देखा उधर से, राम जी लक्ष्मण जी दौड़े चले आ रहे हैं, लक्ष्मण जी दौड़े चले आ रहे हैं और सोच रहे हैं लक्ष्मण जी मन में कि मोह काह कहब रघुनाथा ले है भवन ले है विपिन कि ले रखी है भवन कि ले है साथा। साथ मिलेंगे कि यही रखेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। भगवान श्री राम की नजर गई लक्ष्मण जी महाराज पे, राम बिलो की बंधु कर जोरे देह के हो सब संतरन तोरे। माताओं बंधु ये भी बहुत सुंदर बात है, खत्री समाज की ये एक मान्यता है, मानी जाती है। जैसे हम लोग जब अंतिम संस्कार करके आते हैं ना, तो अंतिम संस्कार के बाद खत्री समाज में ये भी मान्यता होती है कि एक तिनका उठाते हैं और तिनका उठा के उसे तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं माने कि जैसे ये जो तिनके दोनों अलग हो गए अब एक साथ नहीं जुड़ सकते, वैसे ये सज्जन और हम लोग अब कभी नहीं मिल सकते, इसलिए वो तोड़ देते हैं। इसलिए लिखा त्रण तोरे, माने बिल्कुल उसके बाद वो जुड़ नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी महाराज ने भी अपने शरीर से और अपने परिवार से मानो सारा संबंध तोड़ दिया, कोई लेना, जैसे जैसे कि मान लीजिए आप किसी से मिलने गए हो, स्वामी जी जाते हैं, आप लोग जाते हैं मिलने, यहां सब
पंडाल में शिविर में जाते हैं या आप लोग जाते होंगे किसी मेहमान से, भाई मान लीजिए बच्चे के साथ पिता जाएं किसी मेहमान से, किसी अपने दोस्त से मिलने, तो जब दोस्त से मिलते हैं तो जब तक दोस्त से मिलते रहते हैं तब तक वो मेहमान कहता है बेटा चाय पियोगे, अरे बेटा टॉफी खाओगे, बेटा आइसक्रीम खाओगे, तो वो सब खाता भी है, क्या नाम है, क्या करते हो, सब प्रेम से बताता है, सब करता है। लेकिन जब पिता तुरंत ही उठता है चलने के लिए तो बच्चा ये थोड़ी कहता है कि मैं बैठा हूँ मुझे नहीं जाना आप जाइए। पिता तुरंत, बच्चा तुरंत ऐसे उठ जाता है जैसे कुछ लेना देना ही नहीं। अरे भाई वो पिता के साथ आया था, पिता के साथ जाएगा, आपके यहाँ जितनी देर थी। वैसे ही लक्ष्मण जी महाराज मानो मेहमान हो उस अयोध्या धाम में, और राम जी जाने को तैयार हुए तो लक्ष्मण जी ऐसे खड़े जैसे उनको कुछ लेना ही देना नहीं है, ना चक्रवर्ती सम्राट से लेना है, ना माता कौशल्या, ना माता सुमित्रा से, ना किसी परिवार वाले से, ना अयोध्या धाम से खड़े हुए। राम जी ने देखा कि ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने कहा रे लक्ष्मण तात प्रेम बस जन कद राहू और समझ समुझी हृदय परिणाम उछाहू भवन लखन रिपुसु भवन भरत रिपुसूदन नाही। पहले ही दो भाई गए हुए हैं ननिहाल, वो दोनों नहीं है। भवन भरत रिपुसूदन नाही राव व्रत और मम दुख मन माही। एक तो राजा जी बूढ़े, ऊपर से मेरे वियोग का दुख। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा तो हो सब ही विधि अवध अनाथा। जासुराज प्रिय प्रजा तुखारी रहु करहु सब कर परितोषु न तरु तात होई बड़ दोषु। अरे यहाँ रहो बड़ा दोष लग जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमें किस बात का दोष लग जाएगा भाई, हमने कौन सी गलती की जो हमें दोष लग जाएगा, क्या आपके साथ चलने का दोष लग जाएगा, हम तो आप ही के साथ रहते हमें किस बात का। राम जी कहते नहीं लक्ष्मण जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोन रप अवसी नरक अधिकारी। तो नरक पड़ेगा किसको, पिताजी को नरक पड़ेगा। लक्ष्मण रहो यहाँ पे रहो संभालो वरना सबको दोष लग जाएगा। लक्ष्मण जी ने भी वही बात कही जो माता जानकी कह रही है, कहा देखिए ऐसा है प्रभु दीन मोहि सिख नीक गोसाई। बहुत अच्छी बात आपने कही लेकिन ये मेरे औकात के बाहर की बात आपने समझाई है। कोई आपसे कहे कि एक बात सुनो कल्पवास करने आए हो ना, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा करके गंगा जी में डुबकी लगाइए तब जा करके आपके पाप धुलेंगे, तब जाके आपको धर्म को मोक्ष मिलेगा, तब जाके आपका उद्धार होगा। तो आप कहेंगे कि भैया बात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है रोज सुबह 4 बजे उठ के हम चले जाएं। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि भाई उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, उससे उद्धार नहीं होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, जाके स्नान करना चाहिए, लेकिन अपने बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज भी कह रहे हैं कि हमने कहाँ मना किया भाई, ये सब आपकी बात बिल्कुल ठीक लेकिन हमारी औकात के बाहर का, हमारे बस की नहीं है। दीन मोहि सिख नीक गोसाई लेकिन लाग अगम अपनी कदराई। मेरी नहीं है भैया, मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे क्यों नहीं कर सकते लक्ष्मण, तुम नहीं कर सकते, तुम कह रहे हो मेरे बस की बात नहीं। अरे वो तुम तो मेरे वो लक्ष्मण हो, मेरे वो लक्ष्मण हो कि जब उस समय जनकपुर की सभा में जनक जी ने थोड़ा सा क्या कह दिया था, वीर विहीन मही मैं जानी, तो तुमने कह दिया था कि जो जन सत प्रमाण ले था वो कमल लाल जी में चाप चढ़ा वो, तुम ललकार गए थे मेरे वो लक्ष्मण हो तुम। अरे तुम तो वो लक्ष्मण हो जो परशुराम जी महाराज कुठार लेके आए थे तो उनसे दो दो ठूक कर ली थी तुमने, परशुराम जी महाराज को चुप होना पड़ गया था, तुम मेरे वो लक्ष्मण हो। और लक्ष्मण तुम कह रहे हो कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा देखिए प्रभु आप एक बात भूल रहे हैं, चाहे जनक की सभा में धनुष उठाने की बात हो और चाहे परशुराम जी से भेंट करने की बात हो, उन दोनों जगह पर आप मेरे साथ थे। आप मेरे साथ होगे तो मैं धनुष भी उठा दूंगा, आप मेरे साथ होगे तो परशुराम जी से भी लड़ लूंगा, और यदि आप मेरे साथ नहीं होगे ना तो मैं शिशु प्रभु
स्नेह प्रतिपाला, अरे मंदर मेरु किले हिमराला। क्या हंस का बच्चा सुमेरु पर्वत उठा सकता है? आप साथ होंगे तो पृथ्वी को उठा सकता हूँ, आप साथ होंगे तो ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, लेकिन आप साथ नहीं होंगे तो मेरे सुमेरु नहीं उठने वाला, जैसे हंस नहीं उठने वाला। अरे देखा पिता माता, गुरु पितु मातु न जानू काहू, कहू सुभाव नात पतिया हो, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मैं तो आप ही को जानता हूँ, आप ही मेरे माता भी हो, आप ही मेरे पिता भी हो, आप ही मेरे गुरु भी हो, ना मुझे किसी से लेना एक ना देना दो। तो राम जी समझ गए कि ये भी मानने वाले नहीं, जानकी जी भी नहीं माने, ये भी नहीं माने। तो कहा ठीक है भाई, जाओ जाओ जाकर के माता से आज्ञा ले लो, चले जाओ। अब उन्होंने लक्ष्मण जी ने सोचा कि यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाए, भैया के साथ निकल लेते तो काम बन जाता, अब कह रहे जाके पूछ के आ जाओ, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, क्या करें। माता सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी महाराज गए, माता सुमित्रा के पास गए लक्ष्मण जी, जाकर कहते माता, अरे माता मुझको प्रभु श्री राम के साथ बन जाना है, राम जी के साथ बन जाना है। तो माता सुमित्रा ने कहा, अगर वनवास जाना है तुम्हें उनके साथ तो हमसे पूछने क्यों आए हो, हमारा क्या उसमें लेना देना भाई। लक्ष्मण जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि जाके माता से पूछ के आओ, तो इसलिए मैं आपके पास आया। माता सुमित्रा ने कहा, तुम गलत पते पे आ गए। उन्होंने कहा, माता से पूछ के आओ, गलत जगह आ गए। क्या मतलब माता? माता सुमित्रा कहती है, लक्ष्मण तातु तुम्हारी मातु पैदे ही, आपकी माता वो जानकी माता है, हमको आपकी माता होता नहीं है। और पिता? पिता राम सब भांति स्नेही, और पिता आपके वही राम जी हैं, कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। तो उन्होंने कहा, माता ये भी कहा है राम जी ने कि मैं बन जाऊं तुम्हारी लय साथा, तो हूं ही सब ही विधि अवधनाथ, अवधनाथ हो जाएगा माता, ऐसा भी कुछ हो जाएगा क्या? बोले काहे बात का अवध लक्ष्मण जी, अवध तहा जह राम निवासु, अरे जहां राम जी ही नहीं है वहां किस बात का अवध, किस बात के अवध की बात कर रहे हैं वो। अवध तहा जह राम निवासु, और तहाई दिवस जह भानु प्रकाशु, भूरी भागु भाजन भयो मोहि समेत बलि जाओ, और जो तुम्हारे मन छाड़ी छल कीन राम पद ठाओ। तुम मेरे साथ पूरे कुल को धन्य कर दोगे लक्ष्मण, तुमने अपना ठाव ही अपना ठिकाना ही राम जी के चरणों में बना लिया है। देखिए कीन राम पर ठाओ, जहां जहां राम जी के चरण होंगे वहां वहां तुम रुकोगे लक्ष्मण। अरे तुमने तो हम सबको तार दिया, आज मुझसे बड़ी युवती संसार में कौन होगी। माताओं बंधुओं, माता सुमित्रा कह रही हैं, पुत्रपति युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझु बलि बादी पियानी। बियानी, वाह बियानी शब्द आप लोग समझते होंगे, बियानी शब्द कोई मनुष्य के लिए नहीं कहा जाता है, इंसान की जो हम लोगों के मनुष्य जो माताएं हैं, जो स्त्री हैं, जो नारियां हैं, वो नहीं बियाती। तिन ते खर, कवितावली अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, तिन ते खर सूकर स्वान भले जड़ता, बस जो न कहे कछुए। वो जानवर ज्यादा अच्छे हैं जो कुछ कहते नहीं, जड़ता बस जो न कहे कछुए, तुलसी जहि राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ बिखान न द्वय। जिनके जिन राम जी से जिनको प्रेम नहीं है ना, प्रेम असली जानवर तो वो है। जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बांझ गई किन चुए। जबरदस्ती उस माता ने
दस मास तक भार सहा उस पुत्र का जो भगवान का भक्त बन के नहीं निकला। जरी जाए सो जीवन जान की नाथ, जग जये जग में तुम्हरे बिनु वै। उसका जीवन जल जाना चाहिए। वो स्त्री जबरदस्ती दस मास तक अपने गर्भ में बोझे को धारण करती रही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, माता सुमित्रा कहती है, राम पुत्रपति जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बांझ बलि बादी पियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। अरे फायदा हो गया, लाभ हो गया। राम विमुख पुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्री ना होता, कम से कम इतना जननी कतभार सही दस मास तो नहीं होता, दस मास तक बोझा तो नहीं ढोना होता, फायदा ही हो गया ये समझती। तो राम जी सुन रहे हैं, लक्ष्मण जी महाराज सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए माता, माता मैं जा रहा हूं, मुझे एक आपसे और आज्ञा लेनी है। कोई आज्ञा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा उपदेश, राम जी की सेवा करने में जा रहा हूं, यहां तो आप मुझे बताती रहती थी, कोई मोटी बात हो तो बता दो माता। माता सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण आप जा रहे हो तो एक बात गांठ बांध में रखना, बस एक बात गांठ बांध लेना। बोलो माता। कहा लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद मोह जनी सपने हूं इनके बस हो। लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद मोह ये सब अच्छी बात नहीं है, ये परमात्मा से दूर करती है। राम जी के चरणों में आप जा रहे हो, लक्ष्मण कभी सोचना भी मत इनके बारे में, और जागते हुए क्या सपने में भी कभी मत सोचना, लक्ष्मण सपने में भी कभी इनको अपने पास मत आने देना। लक्ष्मण जी ने कहा, माता आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन माता जागते हुए तो मैं पूरा प्रयास करूंगा ही कि मैं राग रोष ईर्षा मदमोह को बस ना, उनके बस में ना हूं, उनको अपने ऊपर अधिकार ना करने दूं। लेकिन माता सोने के बाद कौन सा सपना आ जाएगा, इस पे किसका बस है, ये तो मैं नहीं कर सकता ना माता। लेकिन आपकी आज्ञा माननी है माता, जागूंगा तो भगवान की भक्ति में लगा रहूंगा, सोने पर ये खतरा है कि सोने पर कहीं राग रोष ईर्षा मदमोह ना आ जाए, इसलिए माता आपकी आज्ञा मानने के लिए ये लक्ष्मण अब 14 वर्ष के लिए सोना ही छोड़ देगा, जागने का व्रत ले लेगा। जब सोऊंगा ही नहीं तो सपना ही नहीं आएगा, और जब सपना ही नहीं आएगा तो राग रोष ईर्षा मदमोह आ ही नहीं सकते। माताओं बंधुओं, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, अपने भाई की सेवा के लिए वैराग्य हो तो लक्ष्मण जी जैसा हो। जागने का प्रण ले लिया 14 वर्ष लक्ष्मण जी महाराज ने, राम जी की सेवा मुझे करनी है। कहा जाओ लक्ष्मण जाओ। माताओं बंधुओं, लक्ष्मण जी महाराज, राम जी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा से विदा लेकर के माता जानकी के साथ जाने को हुए, तब तक देखते हैं कि राजा चक्रवर्ती सम्राट तो मूर्छित पड़े हुए हैं।